जी आपके लिए MMB व्हीकल मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल की थ्योरी के लिए किताब है। इसमें CVT 2 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें काफ़ी चैप्टर हैं, इसमें 4 सेमेस्टर हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं थ्योरी है इसमें। अगर आप ये चारों सेमेस्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ये चारों सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका CVT 2 में टेट भाई, अगर MMB से आपने टेट भरा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपके टेट है, चैप्टरों के नाम है आपके, कुछ नहीं इसमें बस थ्योरेटिकल है। और आपको ये देखना समझना है, आप टेक्निकल हैं तो आपको ये समझना है कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा और किस तरीके से बन सकता है। बस यही इसमें प्रोसेस है। खासकर इसमें डीजल इंजन से आप ज़्यादा प्रिफरेंस करें और पेट्रोल इंजन से। डीजल और पेट्रोल इंजन सेम ही है, यही है अगर में ट्रक 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 अधिक होता है पेट्रोल वो डीजल इंजनों में, और पेट्रोल इंजन में कम होता है, इसलिए कमज़ोर होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी पिस्टन पिस्टन के बारे में आप देख लें बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब CVT 2 के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपने MMB से यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो जी, इंग्लिश में कुछ चैप्टर हैं इसी, यानी हिंदी का टोटल इंग्लिश कर दिया गया है 2nd सेमेस्टर के लिए। इसी प्रकार है, कुछ नहीं आपको बस ये देखना है और कुछ नहीं, और काम हो जाएगा इसमें। को पता ही है 5.8 लाख बच्चों का जो CVT 2 में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें कुछ स्टेटिस्टिक कार्ड, उसमें अभी कुछ बच्चे और आने वाले हैं। तो आपको इसलिए आपको पता है जब ऐसे आएगा तो आपको ट्रेड बाई इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको अच्छी प्रिपरेंस करनी होगी। इसमें चैप्टर क्या है आपको तो पता ही होगा, ट्रेड परचेज सुरक्षा एंड व्यवस्था क्या होती है, सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है जैसे कि कोई भी वर्कर है कंपनी में कार्य करता है तो उसकी स्वास्थ्य कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है।